हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, एक एंट्री लेवल हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपका अगर बजट नहीं है और उसके अंदर भी चाहते हैं कि आपको पूरे फीचर्स मिल जाए, पूरी सेफ्टी मिल जाए, पूरी सिक्योरिटी मिल जाए और माइलेज भी कार ऐसा दे जो कहीं के पे भी आपको ना मिले, तो दोस्तों आपके लिए हाजिर है मारुति पोर्टफोलियो की सिलेरियो ZXi वेरिएंट। पूरा डिटेल से इस कार के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये कार आपको क्यों पहली प्रेफरेंस रखनी चाहिए अगर आप एक लो बजट कार की प्रेफरेंस लेके अपने माइंड में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। पूरी वीडियो में जानते हैं कि ये कार क्यों प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए, क्या चीजें इसके अंदर आपको खास मिलती है जिनकी वजह से ये कार आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस कार के एक शोरूम प्राइस के बारे में। तो इस कार का एक शोरूम प्राइस 611,500 रुपए ही अवेलेबल होता है, जो दिल्ली NCR के लिए अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल पे या पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब दोस्तों, प्राइस की बात हम कर चुके हैं तो फीचर की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर हम दिखाते हैं आपको इस कार की चाबी, जिसके अंदर आपको दोनों चाबी के अंदर सेंटर लॉक देखने के लिए मिल जाती है। जो गाड़ी की चाबियां हैं दोनों के अंदर आपको सेंटर लॉक देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ आपको कम प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी को आप इसी से लॉक अनलॉक कर सकते हैं बहुत ईजिली। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके अगर भूल जाते हैं तो दोनों बटन को आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए दबा के रखें, गाड़ी को आप ईजिली पार्किंग में भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इस कार का डिज़ाइन पोर्टफोलियो, तो डिज़ाइन आपको पूरा एरोडायनेमिक शेप के साथ में अवेलेबल होता है। गाड़ी की लुक और भी ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आती है। वहीं बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो क्रोम की लाइनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है इसकी ग्रिल के अंदर, और ग्रिल काफ़ी वाइल्ड आपको नज़र आती है, काफ़ी बेहतरीन सी देखने के लिए मिल जाती है। स्टाइलिश बम्पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस कार के अंदर, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन सिल्वर कलर के साथ में काफ़ी डिसेंसी आपको अवेलेबल कराता है, और बम्पर का जो स्टाइल कॉम्बिनेशन है वो देख के आपको एक डिफरेंट सी चीज़ नज़र आने वाली है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट बम्पर का दिया गया है वो भी गाड़ी के अंदर एयर वेंटिलेशन को काफ़ी मदद करता है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में, तो हेडलाइट आपको मिलती है हैलोजन बल्ब के साथ में, और इंडिकेटर भी आपको इसी में देखने के लिए मिल जाता है, और कार की जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आपको नज़र आती है। बोनट डिज़ाइन वगैरह सब बात करें तो गाड़ी काफ़ी एरोडायनेमिक रखी गई है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो कार का डिज़ाइन सेल है वो काफ़ी बेहतरीन सा आपको नज़र आता है साइड प्रोफाइल से भी। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो दोस्तों, साइड प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी कुछ करेक्टर लाइन्स आपको देखने के लिए मिलती है। व्हील फेंडर पर अगर आप देखें तो कुछ करेक्टर लाइन्स व्हील आर्च क्लाइडिंग की शेप में आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक और भी बढ़िया आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया व्हील आर्च क्लाइडिंग का डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। टायर डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 14 इंची के टायर्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बात करें तो व्हील कवर का ऑप्शन ट्यूबलेस टायर्स ये ऑफर किए जाते हैं सिलेरियो के ZXi वेरिएंट के अंदर। हालांकि व्हील कवर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, उसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी डिसेंट है सिल्वर कलर के साथ में। सिल्वर कलर का जो रिम है वो और भी ज़्यादा डिसेंसी बनाता है इस कार की प्रोफाइल के लिए। बाकी दोस्तों, गाड़ी के अंदर आपको ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सेम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ नज़र आते हैं, जो इस कार की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। वहीं दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ें आपको इस कार के अंदर ऑफर की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर आपको मिलते हैं, जिनमें यहाँ पर आपको इंडिकेटर LED की शेप में भी नज़र आ जाते हैं, यानी कि आपको इस प्राइस के अंदर LED इंडिकेटर्स भी ऑफर किए जाते हैं इस कार के अंदर। बाकी दोस्तों, साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कार आपको नज़र आती है, तो डोर हैंडल्स वगैरह सब आपको सेम कलर में ही ऑफर किए जाते हैं इस कार के अंदर। अब दोस्तों, बात कर रहे हैं तो रियर प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं। रियर प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरीके से लुक इस कार का नज़र आता है। सबसे पहले बात करेंगे, आपको इस प्राइस टैग के अंदर डीफोगर वाइपर वॉशर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको ऊपर की तरफ नज़र आ जाती है, साथ में जो वाइपर है वो काफ़ी बड़ा है और जो ग्लास है वो भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। और डीफोगर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी डीफोगर की विजिबिलिटी मिलती है आपको, जब आपका सर्दी के मौसम में आप ड्राइविंग करते हैं उस टाइम के लिए। रियल लाइट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रियल लाइट कॉम्बिनेशन हैलोजन बल्ब के साथ आता है, बट लाइट का जो डिज़ाइन है रियल लाइट्स का वो काफ़ी डिसेंट आपको मिलता है, जिसकी वजह से रात के समय में कार की लुक और ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आती है। वहीं दोस्तों, सिलेरियो की बैजिंग आप देख सकते हैं, जिसमें क्रोम की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, साथ में सुजुकी का लोगो आपको साइड में नज़र आता है। और सबसे अच्छी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कार में कोई भी कंजूसी नज़र नहीं आएगी। पीछे की तरफ 2 रिफ्लेक्टर आपको नज़र आते हैं पीछे वाले बम्पर में, और पीछे वाले बम्पर का जो स्टाइल डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिसेंट आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से कार रियर प्रोफाइल से भी अच्छा लुक अवेलेबल करती है जब आप रोड पे चलते हैं। बाकी दोस्तों, पार्किंग सेंसर की अगर बात करें तो 2 आइस पार्किंग सेंसर जो रिफ्लेक्टर हैं आपके, उन्हीं के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपकी कार की प्रोटेक्शन को रिवर्स करते टाइम ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, जब आप कार की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस प्राइस में बूट स्पेस क्या मिलेगा, दिखाते हैं आपको दोस्तों। बूट स्पेस भी काफ़ी खास मिलने वाला है, क्योंकि ये कार सिर्फ से ज़्यादा माइलेज क्लेम बूट स्पेस क्लेम करती है एज़ कम्पेयर टू बूट स्पेस के मुकाबले जो उसकी लिक्विडिटी है, यानी कि जो उसका लेवल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन
341 लीटर के आसपास का बूट स्पेस यहाँ पर ऑफर किया जाता है इस कार के अंदर। तो देख सकते हैं जो एक स्विफ्ट के मॉडल जो आप नॉर्मली देखते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑफर करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। स्पेयर व्हील नीचे की तरफ आपको यहाँ नज़र आता है, काफ़ी डेप्थ में यहाँ पर मिल जाता है, और टायर साइज़ आपको 14 इंची वाला ही देखने के लिए मिलता है स्पेयर व्हील के अंदर। और ऊपर की तरफ एक पार्सल ट्रे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो रिमूवेबल है, जिसको आप कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब जैसे कि मैं आपको लगा के एक बार हटा के दिखाता हूँ, ये अभी मैं इसको नीचे की तरफ कर दिया, तो आप इसमें अंदर बूट के अंदर कुछ भी चीज़ें रखना चाहते हैं तो वो सेफ्टी के तौर पर आराम से रख सकते हैं। बाकी दोस्तों 60-40 फोल्डेबल रियर सीट मिलती है, इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप अगर सीट को फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस, बूट मैनेजमेंट आपको इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। अब चलते हैं पीछे पैसेंजर केबिन में क्या खास है इस कार के अंदर, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले विंडो की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी बड़ी सी विंडो आपको देखने के लिए मिलती है विंडो पे। हालांकि पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। डोर हैंडल सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ नज़र आता है, नीचे बोतल होल्डर और छोटा मोटा सामान रखने की जगह मिल जाती है। प्लास्टिक ट्रिम आउट का इस्तेमाल यहाँ किया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। स्पीकर की जगह आपको पीछे मिल जाती है, स्पीकर भी हालांकि मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। अब बात करें तो दोस्तों इंटीरियर की, तो यहाँ पर पीछे वाले केबिन का इंटीरियर रूफ में अगर बात करें तो सिल्वर ग्रेइश कलर का कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इंटीरियर पूरा आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ में ऑफर किया जाता है। सिल्वर एक्सटेंड के डोर हैंडल मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड आपको हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया जाता है दोनों ही सीट के अंदर। बाकी गाड़ी के अंदर जो थाई सपोर्ट है और आपका जो शोल्डर रूम है वो काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबिलिटी के साथ आप यहाँ बैठ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने जो को ड्राइवर सीट है उसको बिल्कुल आगे करके रखा है अभी, तो आप देख सकते हैं जो लेग स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि 6.5 फिट के लोग भी अगर बैठना चाहते हैं तो वो भी इस कार के अंदर बहुत आराम से सेटल होकर बैठ सकते हैं। बाकी लेग रूम आप देख सकते हैं कितना डिसेंट सा लेग रूम आपको इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है, फ्लेक्सीबिलिटी आपको इस कार के अंदर पूरे अच्छे तरीके से मिल जाती है। और बात करते हैं पावर विंडो, तो पीछे वाली पावर विंडो के स्विचेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। आप बैठे बैठे अंदर से ही दोनों पैसेंजर के जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह बैठ के। बाकी दोस्तों पीछे वाली सीट्स पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैंडेटरी है आपकी हर कार के अंदर। तो दोस्तों ये तो बात थी अब ड्राइवर पैसेंजर केबिन के बारे में, तो अब चलते हैं ड्राइवर केबिन के अंदर। तो वहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं जो देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें खास मिलती हैं। तो सेम वैसी ही विंडो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी विंडो आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको विंडो पे देखने के लिए नजर आता है, सिल्वर एक्सटेंड का डोर हैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे बोतल होल्डर एंड छोटे मोटे पेपर रखने के लिए जगह, मैप वगैरह रखने के लिए पॉकेट मिल जाता है, साथ में स्पीकर प्रीलोडेड आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीट की बात करें तो कुछ इस तरीके से ड्राइवर को ड्राइवर की सीट्स आपको मिल जाती है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको यहाँ पर भी ऑफर होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। जो सीट कवर आप देख रहे हैं जेन्युइन एसएससीज का पार्ट है, आप इनको एडोन करा सकते हैं कभी भी किसी भी वेरिएंट के अंदर। बाकी दोस्तों यहाँ पे सीट बेल्ट हाइट सीट जो है ड्राइवर साइड में वहाँ पे हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कार के इंटीरियर क्लास की, तो कार का इंटीरियर क्लास आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, काफ़ी क्लासी ब्लैक कलर का इंटीरियर पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसी वेंट्स आपको मिलते हैं सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ में। नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एडजस्टेबल मिरर के बटन मिलते हैं, यहाँ पर आपको ESP के लिए बटन मिल जाता है। गाड़ी आइडियल स्टार्ट स्टॉप को सपोर्ट करती है 6,11,000 रुपये में दोस्तों, और क्या चाहते हैं कि आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं कि अंदर बैठने के बाद क्या चीज़ें आपको यहाँ पे खास मिलती है, तो देख सकते हैं दोस्तों अंदर बैठने के बाद आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जिसपे आपको म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल्स हैं, सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग आप यहाँ देख सकते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है देखने के लिए। आप इसको इजीली टिल्ट भी कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की अगर बात करें तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगी, जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप एड ऑन कर देख सकते हैं, जिसके अंदर पूरा डिजिटल और आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल आपको दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। बाकी दोस्तों पर्सनली अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, छोटा सा स्टीयरिंग है जिसको चलाने में काफ़ी कंफर्टेबिलिटी मिलती है आपको जब आप चलाते हैं, छोटे स्टीयरिंग की जो पकड़ है वो बहुत अच्छी रहती है जब आप ड्राइविंग करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक म्यूजिक स्टीरियो मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बेसिक से जितनी रिक्वायरमेंट फीचर्स है आपको FM, USB, रेडियो, ऑक्सिलरी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर्स आपको इसमें प्रीलोडेड अवेलेबल हो जाता है। स्मार्ट प्लेट डो की स्टीरियो है, जिसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर नेविगेशन वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस व्हीकल की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है।
बाकी सेंटर कंसोल के अंदर ही आपको यहाँ पर आगे वाली पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से पावर विंडो को बटन कर सकते हैं, चारों विंडो को लॉक कर सकते हैं, आप जो मिरर है उनको लॉक कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी को लॉक अनलॉक यानी कि सेंटर लॉक का कंट्रोल भी आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एसी की जो बॉर्डर है वो देखने के लिए मिल जाती है, जो सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ आती है। हालांकि यहाँ पे क्रोम का यूज भी काफी अच्छे से किया गया है और काफी अच्छा ये डिजाइन पैटर्न आपको नजर आएगा, जो काफी बढ़िया यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपको दिखता है। नीचे की तरफ आते तो मैनुअल एसी कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, एक पोर्ट यहाँ पर खाली मिल जाता है जिसका कोई इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलता है। बाकी छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस यहाँ देख सकते हैं, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। दो कप होल्डर मिल जाते हैं, सफर के दौरान में अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर जगह दे दी गई है ताकि इस्तेमाल आप उसको कर सकें। गियर नोब की बात करें दोस्तों तो गियर नोब आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। गियर नोब बेसिक सी है, ब्लैक कलर के साथ में यहाँ आती है, पर इसकी जो ग्रिपिंग है वो काफी बढ़िया ग्रिपिंग के साथ ये मिल जाती है देखने के लिए। बॉर्डर की फिनिशिंग की अगर बात करें तो ये बॉर्डर फिनिशिंग आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे ग्लोव बॉक्स के अंदर छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस, छोटा मोटा तो नहीं बोल सकते, काफी बड़ा यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ दिख जाता है। एसी वैन पे भी वहाँ पे सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक एयरबैग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जो को ड्राइवर के लिए, दूसरा एयरबैग आपको ड्राइवर सीट के स्टीयरिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो स्टीयरिंग आपका यहाँ पर एयरबैग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सनवाइजर की, तो सनवाइजर पे आपको टिकट होल्डर भी ऑफर होता हुआ दिखेगा सिर्फ 6,11,000 रुपए के प्राइस में। केबिन के अंदर एक लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, दूसरी लाइट, दूसरा सनग्लास जो है सन जो आपका होल्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टिकट होल्डर मिल जाते हैं आपको सनवाइजर पे ही देखने के लिए। तो दोस्तों इंटीरियर पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्राइस टैग के हिसाब से। बाकी आपको ये इंटीरियर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इंटीरियर मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ क्लोज लुक देने की, तो ये क्लोज लुक अभी आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर का। बाकी अब बात करते हैं इंजन और सेफ्टी के अंदर क्या चीज़ें इस कार के अंदर ऑफर की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। तो कार के अंदर मारुति का सबसे सक्सेसफुल 1000 cc वाला इंजन ऑफर किया जाता है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि मारुति की सेफ्टी किस तरीके की अब ऑफर होने लगी है। तो सिलेरियो के बोनट पे आप देख सकते हैं किस तरीके की कवरिंग यहाँ पर की गई है और कितना यूनिक तरीके से ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। जो आप इसके अंदर डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है, वो सेफ्टी के हिसाब से बनाया हुआ पैरामीटर को गाइडलाइन को ध्यान में रखे बनाया हुआ डिज़ाइन है, जिसके अंदर क्रम्पल जोन्स का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में इसको यूनिक किया गया है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट के अंदर ये सबसे सक्सेसफुल इंजन माना जाता है 1000 cc का। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1000 cc के साथ साथ इसके अंदर आपको ये लेटेस्ट रिफाइन इंजन मिलता है, जिसके अंदर डुअल वीवीटी, डुअल जेट, आइडियल स्टार्ट स्टॉप और कूल डीजार जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन ये आपको इसके अंदर ऑफर होता हुआ दिख जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं उसकी मैक्सिमम पावर की, तो 49 किलोवाट की पावर जनरेट करती है ये कार और 89 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कार का माइलेज ही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि कार के अंदर आपको ऑफर किया जाता है लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज, जो इस सेगमेंट के अंदर क्या पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोल के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज कार क्लेम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कार लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। हालांकि इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट आता है वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर, तो उसका जो माइलेज है वो लगभग 35 किलोमीटर पर किलोग्राम के आसपास क्लेम किया जाता है, क्योंकि जो बाकी कंपटीशन के अंदर कार आती है उनसे लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा क्लेम करती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट के मुकाबले। बाकी दोस्तों आप सोच रहे होंगे 6,11,000 रुपये में आपको सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कार का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो बना हुआ है हार्डटेक प्लेटफॉर्म पे, जो नॉर्मल स्टील से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसके अंदर क्रम्पल जोन्स आपको लगाए गए हैं ताकि पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो सके, और जो बाहर चलने वाले लोग हैं जो नॉर्मल पैदल यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि उनको भी अगर हिट हो तो वो भी आपको मेजर इंजरीज ना करें। बाकी दोस्तों कार के अंदर आपको डुअल एयरबैग, ABS, CBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको ड्राइवर को ड्राइवर पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी मिलते हैं आपको देखने के लिए। उसके अलावा पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको 2 eyes के साथ में, और मारुति सुजुकी का नया हार्टेक प्लेटफॉर्म भी इस कार के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कार की सेफ्टी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। वीडियो किसी भी कारण से अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए जल्दी लेके आते रहते हैं।
बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। बाकी दोस्तों कार की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो मोटरक्राफ्ट गाजियाबाद का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इस पर कॉल करके डायरेक्टली बेस्ट डील बेस्ट सर्विस भी ले सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को यहाँ खत्म। जय हिंद दोस्तों।